हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दुर्गा, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कुड़ी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है गोदी मीडिया इंसल्ट वायरल वीडियो, देखते हैं इसमें क्या इंसल्ट दिखाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वॉच इट। मैं मीडिया के साथियों से भी विनम्र आग्रह करूंगा, इस सभागृह से बाहर जाने का कष्ट करें। प्रधानमंत्री बोले मीडिया वालों बाहर जाने का कष्ट करें। सोशल मीडिया पर लोग बोले जल्दी वहां से हटो। गोदी मीडिया की ऐसी धुलाई शायद ही देखी हो। दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन भाषण दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने गोदी मीडिया को बाहर का रास्ता दिखा दिया और इशारा किया कि अपने स्थान पर जाइए। गोदी मीडिया की इस समय सोशल मीडिया पर भारी बेइज्जती हो रही है। जनता ने गोदी मीडिया को ये कहकर ट्रोल करना शुरू कर दिया है कि आपकी तपस्या में जरूर कोई कमी रह गई होगी जो प्रधानमंत्री मोदी ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड लीडर्स के सामने गोदी मीडिया से कहा कि मैं मीडिया के साथियों से भी विनम्र आग्रह करूंगा कि वो अब हमें समय दे और इस सभा से बाहर जाने का कष्ट करें। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है और गोदी मीडिया जनता के निशाने पर आ गया है। पत्रकार रणविजय सिंह ने गोदी मीडिया को ट्रोल करते हुए कहा जल्दी वहां से हटो। सोशल एक्टिविस्ट महेंद्र नायक ने कहा ये तो गोदी मीडिया की बेइज्जती हो गई। एक यूजर ने गोदी मीडिया की ऐसी बेइज्जती पर कहा गोदी मीडिया की यही औकात है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। एक शख्स ने लिखा ये कैसा लोकतंत्र है जहां उनके पाले हुए मीडिया को ही आने की इजाजत नहीं है। प्रोफेसर इलाहाबादी ने प्रधानमंत्री के बयान पर कहा इंडिया की पत्रकारिता वर्ल्ड में 161 रैंक पर है और आज मोदी जी ने कहा मीडिया के साथियों से विनम्र आग्रह है कि वे अब सभा से बाहर जाने का कष्ट करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक यूजर ने कहा मीडिया पहले ही बाहर जा रहा है, लगता है साहा पाताल लोग भेज के ही मानेंगे। एक अन्य यूजर ने गोदी मीडिया की फजीहत देख कर कहा मीडिया को इस वजह से बाहर जाने को बोल रहे हैं मोदी जी ताकि कोई क्रॉस सवाल ना कर दे, आखिर इसी डर की वजह से भारत में पत्रकारिता का 180 में से 161वां स्थान है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने गोदी मीडिया पर तंज कसते हुए लिखा चलो अब बाहर निकलो। पत्रकार सदफ ने लिखा प्रधानमंत्री जी अपने चहीते एंकरों व एंकराइनों को G20 के भारत मंडप से बाहर जाने को कह रहे हैं। गोदी मीडिया की बेइज्जती का ये दुख खत्म का ही नहीं होता यार, हम तो सभी गोदी मीडिया की तरफ से 4 किलो निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन भाषण के दौरान गोदी मीडिया की ऐसी बेइज्जती पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखें। हम ओ भाई गोदी मीडिया कैसे बार भगा दी नरेंद्र मोदी ने भाई अपने मीडिया को बाहर भगा दे, क्या बात है बेचारों की, कितनी बुरे तरीके से इंसल्ट हुई कि जिसके लिए काम करते उन्होंने बाहर कर दिया। बहुत ही भाई कमेंट कैसे कैसे दिखा रहे थे भाई, सच में फनी फनी कमेंट देख के मजा आ गया। आप लोग बताना कि आप लोग को वीडियो कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखना, जैसे आपने शुरू से सपोर्ट किया वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स।